क्रोनो OB31 की अपडेट में क्रोनो में बहुत बड़ी चेंजेस लाई गई हैं। क्रोनो की शील्ड जो कि 600 का डैमेज बर्दाश्त कर सकती थी, अब 800 के डैमेज को डील कर सकती है। क्रोनो की मूवमेंट स्पीड जो कि 6% कर दी गई थी, अब दोबारा से इंक्रीज करके 10% कर दी गई है। अगर स्किल की ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये शील्ड जो कि 5 सेकंड तक थी, अपडेट के बाद अब 6 सेकंड तक मौजूद रह सकती है। और साथ साथ क्रोनो का कूल डाउन टाइम यानी के एबिलिटी के रिचार्ज होने के टाइम को 220 सेकंड से घटाकर 60 सेकंड कर दिया गया है। मैक्सिम OB31 अपडेट में मैक्सिम कैरेक्टर की एबिलिटी पे भी काफी चेंजेस लाई गई हैं। OB31 अपडेट से पहले मैक्सिम का इस्तेमाल करते हुए आप मशरूम को खाने और मेडकिट का इस्तेमाल करने में 40% तेजी देख रहे थे, लेकिन OB31 अपडेट के बाद मैक्सिम का इस्तेमाल करते हुए अब आप सिर्फ 30% ज्यादा तेजी से ही मशरूम खा पाएंगे और मेडकिट का इस्तेमाल कर पाएंगे। OB31 अपडेट में अगर रैंक मोड की बात की जाए तो न्यू रैंक इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसका टाइटल है मास्टर। रैंक मैचेस को मजीद कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए न्यू रैंक मास्टर अब से मौजूद है, जो कि हीरोइक प्लेयर्स अपने हीरोइक करने के बाद इस टाइटल को अपने नाम कर सकते हैं। बैटल रॉयल में अगर चेंजेस की बात की जाए तो FF कॉइंस जो कि आप वेंडिंग मशीन में चीज़ें परचेज करने के लिए इस्तेमाल करते थे, अब उनकी क्वांटिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है। मुकाबले को और ज़्यादा मुश्किल बनाने के लिए पर मैप में मौजूद FF कॉइंस की मिकदार को 100 कर दिया गया है। अगर आर्मर अटैचमेंट्स की बात की जाए तो बैटल रॉयल मोड में अब आपको वेस्ट एनलार्जर और हेलमेट थिकनर देखने को मिलेगा। अगर आप वेस्ट एनलार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके कैरेक्टर के चेस्ट पे आने वाला डैमेज 25% रिड्यूस हो जाता है, और अगर आप हेलमेट थिकनर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके कैरेक्टर के हेड पे आने वाला डैमेज 36% रिड्यूस हो जाएगा। OB31 अपडेट में अगर वेपन्स की बात की जाए तो एक न्यू वेपन मैक 10 के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि एक SMG वेपन है। अगर वेपन्स में रेंज एडजस्टमेंट्स की बात की जाए तो काफी वेपन्स के अंदर रेंज में तब्दीली लाई गई है, जैसे कि UMP की इफेक्टिव रेंज को अब 5% माइनस कर दिया गया है और MP5 की इफेक्टिव रेंज को 3% माइनस किया गया है। साथ साथ थॉमसन की इफेक्टिव रेंज को भी 3% डिक्रीज किया गया है। अगर मिनी यूजर डाई की बात करें तो इस वेपन की भी इफेक्टिव रेंज अब 3% डिक्रीज हो चुकी है, और अगर मैक 7 की बात करें जो कि एक शॉटगन है, इसकी रेंज भी 3% डिक्रीज कर दी गई है। अगर वेपन स्कार की बात की जाए तो काफी प्लेयर्स इसको इस्तेमाल करना छोड़ते जा रहे हैं इसकी लोअर एक्यूरेसी की वजह से, लेकिन OB31 अपडेट में स्कार के रिकॉयल को 10% माइनस किया गया है ताकि स्कार वेपन्स में अपनी खोई हुई वैल्यू को दोबारा हासिल कर सके। अगर M60 की बात करें तो प्रीवियस अपडेट में M60 के मशीन गन मोड में काफ़ी चेंजेस लाई गई थी, लेकिन फिर भी M60 कोई ख़ास वैल्यू हासिल नहीं कर पाई, लेकिन OB31 अपडेट में M60 के मशीन गन मोड में रिकॉयल को 30% डिक्रीज किया गया है, यानी अब प्लेयर्स को M60 का इस्तेमाल करते हुए प्रोन और क्राउच पोजीशन में ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। अगर बात करें UMP और एक्सीमेट की तो OB31 अपडेट में UMP और एक्सीमेट की रिलोड स्पीड को डिक्रीज किया गया है, यानी कि इस अपडेट में UMP और एक्सीमेट दोनों ही वेपन्स के रिलोड टाइम को 5% इंक्रीज कर दिया गया है। अगर MP5X की बात की जाए तो OB31 अपडेट में MP5X के रेट ऑफ फायर को मजीद बढ़ा दिया गया है। हमें प्रीवियस अपडेट के बाद UMP भी MP5X का मुकाबला करते हुए नजर आ रही थी,
तो अब OB31 अपडेट में MP5X के रेट ऑफ फायर को मजीद 5% बढ़ा दिया गया है ताकि वो अपनी खोई हुई वैल्यू को दोबारा हासिल कर सके। अगर बात करें K98K की तो ये स्नाइपर्स में सबसे वीक स्नाइपर है, लेकिन OB31 की अपडेट के बाद K98 के रेट ऑफ फायर को मजीद बढ़ा दिया गया है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो K98K के रेट ऑफ फायर को 10% इंक्रीज किया गया है OB31 अपडेट में। अगर मूवमेंट के हवाले से देखा जाए तो OB31 अपडेट में वेपन स्वैप टाइम में भी काफ़ी चेंजेस लाई गई हैं, यानी कि अब प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू प्राइमरी वेपन स्विचिंग में आपको मुख्तलिफ टाइम्स देखने को मिलेंगे, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, किसी भी वेपन का इस्तेमाल करते हुए पिस्टल को निकालना अभी भी सबसे ज़्यादा तेज़ है।